Okay, everyone. Good afternoon. First, today's topic is ST depletion. What is ST depletion? That day we have talked on ST elevation. Na? We now today is ST depletion. ST depletion क्या होता है? ST depletion most of the time हम लोग देखते हैं कि ST depletion है बस हो गया. ST depletion है means patient को infarction है या patient को ischemia है. Most of the time we said ST elevation है तो patient को infarction है, depression है तो ischemia. But it is not Only every ST depletion is not the ischemia means her ST depletion. आपको ST wave को compare करना पड़ेगा isoelectric line में कि वो ST elevation है या ST depletion है. I think everyone know about the ST segment. So today we see the differential diagnosis on the ST depletion कि ST depletion अगर है तो उसमें क्या-क्या चीजें हो सकती है. First of all ST depletion में हम आज देखेंगे 10 differential diagnosis. उसमें सबसे important है आपका myocardial ischemia एंड इनफार्क्ट में सबको डिफरेंस पता है. ischemia में क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई है बाय द कोरोनरी आर्टरी थोड़ा सा ब्लॉक होगा और थोड़ा ब्लड आपके मायोकार्डियम को मिलते रहेगा. एंड इनफार्क्ट में क्या होता है, इनफार्क्ट में पूरा ब्लड सप्लाई ऑक्लूड हो जाता है, मीन्स आपके मायोकार्डियम को कुछ भी ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा. दैट इज डिफरेंट इन ischemia एंड इनफार्क्ट. तो मायोकार्डियल ischemia में हमें मिलेगा ST depletion. कैसा होता है, विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड. Second differential diagnosis is reciprocal changes that is seen in a posterior wall MI. That day we have seen that ki posterior MI mein aapko reciprocal changes dikhna padta hai. Reciprocal changes kya hota hai? Maine aapke fourth lecture mein aapko bataya hai ki what is reciprocal changes. Reciprocal changes mein kya hota hai? Jaise ki ek just short hum log dekh lete. Anterior leads, jaise ki hum log V1, V2, V3, V4, V5, V6 ye chest ke anterior part mein hum log जब लीड्स लगाते हैं तो पोस्टेरियर साइड में कोई भी लीड नहीं होती है आपके 12 लीड ईसीजी में. अगर आपको पोस्टेरियर एमआई विदाउट रेसिप्रोकल चेंजेस देखना है तो आपको V6 के बाद V7, V8, V9 पीछे के साइड में भी हार्ट में लीड्स लगानी पड़ेंगी. बट वी आर नॉट यूजुअली डू दैट कि पोस्टेरियर लीड्स हम लोग लगाते हैं. तो क्या करेंगे, तो हार्ट में पोस्टेरियर एमआई आएगा तो हमको पता नहीं चलेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके रेसिप्रोकल चेंजेस, उसके मिरर इमेजेस, पीछे के साइड के चेंजेस आपको मिलेंगे एंटेरियर साइड में, मींस एंटेरियर लीड्स में. हार्ट के पीछे का भाग का मिरर इमेज उसको बोलेंगे रेसिप्रोकल इमेजेस. हमें मिलेंगे V1, V2, V3, मोस्टली V1 एंड V2 में. क्या होते हैं, विल सी ऑन अ नेक्स्ट स्लाइड. थर्ड एसटी डिप्रेशन आपको मिलेगा डिगोक्सिन, हाइपोकैलेमिया, सुप्राविंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. ये 6, 7, 8, 9 दीज आर मोर और लेस सेम है. मीन्स आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ज्यादा आपका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं. देखो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. ये क्या है हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे. एंड वेंट्रिकुलर प्लेटिज्म फर्स्ट वी देखें, हम लोग देखेंगे कि मॉर्फोलॉजी क्या है, एसटी डिप्रेशन कौन सा. हर एसटी डिप्रेशन मीन्स हर एसटी सेगमेंट नीचे आ गया मतलब इस्टेमिया है क्या, कितना नीचे चाहिए, अप स्लोपिंग चाहिए, डाउन स्लोपिंग चाहिए. अप स्लोपिंग है तो वो कैसा दिखेगा. फर्स्ट वी सी दिस इज लुक दिस, ये एसटी सेगमेंट है, ये एसटी सेगमेंट, ये नॉर्मल बेसलाइन आपका पीआर सेगमेंट, पीआर से नीचे है एसटी सेगमेंट. अभी एसटी सेगमेंट ये नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अप स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन. ये ऊपर से नीचे आ रहा है, दिस इज द डाउन स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन. एंड दिस इज थर्ड वन इज द हॉरिजोंटल. हर डिसीजेस में अलग अलग डिफरेंशियल डायग्नोसिस है. अगर आप सिर्फ एसटी सेगमेंट देखेंगे तो आपको तीन चीजें सिर्फ याद रखना है, अप स्लोपिंग, डाउन स्लोपिंग एंड हॉरिजॉन्टल. आपको ईसीजी में एक्चुअली ऐसा दिखेगा, दिस इज हॉरिजॉन्टल, 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 दिस इज क्वाइट अप स्लोपिंग, दिस इज डाउन स्लोपिंग. अभी हम लोग देखेंगे कि हर डिसीजेस में इस्चेमिया में कैसा दिखता है. फर्स्ट एसटी डिप्रेशन कैन आइदर बी अप स्लोपिंग, डाउन स्लोपिंग एंड हॉरिजॉन्टल, ये हमने देखा. अभी हॉरिजॉन्टल एंड डाउन स्लोपिंग, कौन सा, हॉरिजॉन्टल एंड डाउन स्लोपिंग, मतलब हॉरिजॉन्टल एंड डाउन स्लोपिंग, ये दो एसटी डिप्रेशन मोर देन 0.5 mm. कितना चाहिए डिप्रेशन, मोर देन 0.5 mm, मतलब कितने बॉक्स हो गए, आधे बॉक्स से ज्यादा. एसटी डिप्रेशन कितना चाहिए आपको, 0.5 mm, मतलब हाफ बॉक्स से ज्यादा चाहिए. उससे कम रहा तो वी कैन नॉट से कि इस्चेमिया है. बट एक तो 0.5 mm से ज्यादा with more than two contiguous leads indicate myocardial ischemia. कब चाहिए आपको, एक तो 0.5 mm से ज्यादा ST depression चाहिए और दो लीड में चाहिए. कौन सी लीड,
contiguous lead. मतलब क्या होगा, contiguous lead are next to one another. Anatomically speaking, they view the same general area of the heart. कुछ hard नहीं है, एकदम easy है. मतलब contiguous lead मतलब क्या होगा, जैसे कि inferior में कौन सी lead है, 2-3 AVF. Inferior में 2 और 3. एंटेरियर में V1, V2, इन दोनों में चेंजेस चाहिए. ऐसा नहीं कि एक V1 में है और एक इन्फेरियर में, इट इज नॉट लाइक दैट. आपको 2 कंसेक्यूटिव लीड्स जो एनाटॉमिकल पार्ट हार्ट का देख रही है उसमें चेंजेस चाहिए. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन रहा तो मुझे लास्ट में पूछिए, आई विल लेट यू. देन अपस्लोपिंग एसटी डिप्रेशन. अपस्लोपिंग एसटी डिप्रेशन इन द पेरिकार्डियल लीड विद प्रोमिनेंट डी विंटर वेव्स. अपस्लोपिंग डिप्रेशन मतलब क्या होगा, ये वाला अपस्लोपिंग एसटी डिप्रेशन इन अ प्रीकॉर्डियल. प्रीकॉर्डियल का मतलब हो रहा है एंटेरियर V1 V2 जो चेस्ट लीड से, दैट इज कॉल्ड अ प्री विद अ प्रोमिनेंट डी विंटर टी वेव्स. ये हम लोग देखेंगे कि टी विंटर वेव्स क्या होती है. हाईली स्पेसिफिक फॉर अ ऑक्लूजन ऑफ एलईडी. एलईडी मतलब लेफ्ट, कौन सा होता है एलईडी वाला, लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी, है ना. अगर आपका अपस्लोपिंग टी वेव है, इस टाइप का आपको पिक्चर मिलता है ना, और टी वेव पीक टी वेव मिलेगा, इसका मतलब आपका एलईडी ब्लॉक है, मींस इमरजेंसी है. नीचे में हम लोग देखते हैं रेसिप्रोकल चेंजेस दैट डे वी हैव सीन. रेसिप्रोकल चेंजेस आर हैज अ मॉर्फोलॉजी दैट रिसेंबल अपसाइड डाउन. पोस्टेरियर वॉल एमआई के बारे में हमने उस दिन डिस्कस किया था. पोस्टेरियर वॉल एमआई मैनिफेस्ट एज अ हॉरिजॉन्टल एसटी डिप्रेशन इन V1 to V3 and associated with upright T wave. ये सारा ECG मेरे पास है, I will show you. तो first, सबसे पहले हमें पता चाहिए, ये बहुत important है, ध्यान देके सुनिए. Easy भी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा concentration देके सुनना पड़ेगा कि क्या होता है. What happen? This is your aorta. Aorta से निकलती है 2 branches. There are 2 branches from the aorta. That is the right coronary artery and a left coronary artery. Right coronary artery देखो यहाँ पे, ये right side में है, right RCA, right coronary artery, and second is the LMCA. LMCA मतलब left main coronary artery. फिर left main coronary artery के 2 branches, LAD, left anterior descending, ये नीचे आई anterior part में, जो heart के anterior side में supply करेगी. And second branch is left circumflex artery. ये इस साइड में सप्लाई कर रही है ना, थोड़ा सा लैटरली जा रही है, पोस्टेरियरली जा रही है. मींस अगर आपके पास ईसीजी है ना, आपने पेशेंट का, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पेशेंट को V1 या V1 V2 V3 में अगर चेंजेस मिल रही है या एंटेरियर साइड में मोस्टली चेंजेस मिल रहे हैं, तो आपका कहाँ पे ब्लॉकेज होगा, एलईडी में ब्लॉकेज होगा. राइट कोरोनरी आर्टरी कहाँ सप्लाई कर रही है, इंफेरियर में. मींस अगर पेशेंट के 2-3 AVF इन्फेरियर लीड में आपकी ईसीजी में चेंजेस दिखे, तो आपका कौन सा आर्टरी ब्लॉक होगा, राइट कोरोनरी आर्टरी. मींस विदाउट गोइंग एंजियोग्राफी, बिना एंजियोग्राफी किए यू कैन से कि पेशेंट का कौन सा आर्टरी ब्लॉक होगा जस्ट नोइंग द पोजीशन ऑफ आर्टरी. फिर से एक शॉर्टली मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सी राइट कोरोनरी, नीचे में मैंने अच्छा ग्राफिकल इसको दिया हुआ है. जस्ट सी पेशेंट एंटेरियर वॉल MI, है ना, एंटेरियर वॉल MI. एंटेरियर मतलब V1 to V4 कौन सा सप्लाई कर रहा है, लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी. मतलब सपोज आपके पास पेशेंट आया, उसका आपने ECG निकाला, एंड यू विल फाइंड कि पेशेंट को V1 to V4 में चेंजेस है, तो यू कैन डायग्नोज इजीली इट इज एंटेरियर वॉल MI. बट अभी एक कदम आगे जाके आप ये भी बता पाओगे कि पेशेंट का LAD में ब्लॉक होगा, बिना एंजियोग्राफी किए यू कैन से कि पेशेंट का LAD ब्लॉक हो सकता है. सेकेंड लैटरल वॉल MI, ठीक है, लैटरल वॉल MI, जैसे कि ये देखो लैटरल वॉल MI, मैंने अभी आपको बताया लैटरल में कौन सा सप्लाई कर रहा है, सरकम्प्लेक्स आर्टरी. दिस इज योर सरकम्प्लेक्स आर्टरी, लैटरली सप्लाई हो रहा है. तो पेशेंट का लैटरल वॉल MI है, तो इजीली यू कैन से पेशेंट का सरकम्प्लेक्स आर्टरी में ब्लॉकेज होगा. नो वन कैन फूल यू कि पेशेंट का LAD में भी स्टेंट डालना पड़ेगा. पोस्टेरियर वॉल MI, पोस्टेरियर वॉल MI that is supplied by RCA, posterior or inferior. ये देखो inferior and posterior, it is supplied by RCA. inferior मतलब ये नीचे वाला part, 2-3 AVF. patient का ECG आपने निकाला, patient के ECG में 2-3 and AVF में changes है ना, AVF में changes है, मतलब आप बोल सकते हैं patient का RCA block हो सकता है 80%. थोड़ा सा LCX भी, left circumflex भी supply करती है, but mainly it is supplied by RCA.
ओके, तो तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एंटीरियर इज सप्लाइड बाय एलईडी, लैटरल इज सप्लाइड बाय सरकमफ्लेक्स, इंफीरियर एंड पोस्टीरियर सप्लाइड बाय आरसी। इन तीन चीज याद रखो, मीन्स आपको एक बहुत बहुत सिंपल जाएगा ये। फिर से आपको समझने के लिए मैंने एक डायग्राम रखा हुआ है, आप बाद में इसको फोटो निकाल के रख सकते हो, सो दैट यू कैन इजीली डिफरेंशिएट लाइक आरसीए, आरसीए राइट कोरोनरी आर्टरी में इंफार्क्ट होगा, इंफीरियर एंड पोस्टीरियर में। इंफीरियर को कौन सी लीड रिप्रेजेंट कर रही है आपकी, 2-3 AVF, बहुत इजी करके मैंने इसमें लिखा हुआ है। पोस्टीरियर वॉल एमआई है आपका, पोस्टीरियर वॉल एमआई हमने अभी देखा, पोस्टीरियर को कौन सी लीड सप्लाई कर रही है, राइट कोरोनरी आर्टरी, ये पोस्टीरियर एंड इंफीरियर को राइट कोरोनरी आर्टरी। तो राइट कोरोनरी पोस्टीरियर वॉल में हमने अभी देखा कि चेंजेस कहाँ मिलेंगे हमको, V1 V2 में। कौन से चेंजेस है, ये एक्चुअल चेंजेस है क्या, नहीं है, ये क्या है, रेसिप्रोकल चेंजेस। लाइकवाइज आप नीचे भी पढ़ सकते हो बाद में, ठीक है, बिफोर वी कैरी फॉरवर्ड। आप इसका एक इमेज ले लो, फोटो ले लो, या फिर आप बाद में YouTube में इसको डाउनलोड करके आप अपने कॉपी में मेंशन कर लो। देन हियर कम्स अवर मेन टॉपिक, एसटी एलिवेशन एंड व्हाट इज रेसिप्रोकल चेंजेस। ओके, फर्स्ट ये एसटी एलिवेशन ऐसा होता है और रेसिप्रोकल चेंजेस उसके इस टाइप में दिखते हैं जो हमने देखा था इसके प्रीवियस लेक्चर में। सी सी, अभी इसमें हम लोग देखेंगे आपका, एनीवन कैन रीड दिस ईसीजी एंड फाइंड कि क्या चेंजेस है। देखो इसमें आप थोड़ा सा देखिए कि ईसीजी में आपको क्या चेंजेस दिखते हैं, पेशेंट को कौन सा एमआई हो सकता है, या कौन सा इस्केमिया है दिख रहा है, या इन्फार्क्ट दिख रहा है। एनीवन कैन अनम्यूट एंड टेल मी कि पेशेंट को क्या है। हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो, धर्मेश सर, Anyone there? Hello? Yes sir, you are audible. Audible na? Okay. तो आपको इसमें anyone can see, किसी को दिख रहा है changes? ये ECG सबको दिख रहा है इसमें? Yes sir. Okay. चलो मैं आपको explain करता हूँ, है ना? आपको बहुत बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। Look, इसमें मैं आपको अभी बताता हूँ, आप second lead देखिए, second, थर्ड एंड AVF। आप देखो सेकेंड लीड, थर्ड लीड एंड AVF, इसमें देखो आपको ST एलिवेशन दिख रहा है, ठीक है? ST एलिवेशन है, मतलब क्या है, पेशेंट को इनफार्क्ट है। अभी हमें कंफर्म करना है ये इनफार्क्ट है, तो इसके रेसिप्रोकल चेंजेस हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में देखा था, 2-3 AVF का रेसिप्रोकल आपको दिखेगा AVL में। तो आपको AVL में क्या मिलना चाहिए, इस्केमिया मिलना चाहिए, मीन्स ST डिप्रेशन मिलना चाहिए। देखो ये AVL, आप देखो मैं जूम कर रहा हूँ इसको, AVL को देखो, ST डिप्रेशन है, दिस इज ST डिप्रेशन, मींस इंफेरियर वॉल में MI है, तो उसके रेसिप्रोकल चेंजेस आपको AVL में मिलेंगे। तो आपने सपोज कभी देख लिया, सिर्फ AVL में आपने इस्केमिया देख लिया और बोले कि हाँ पेशेंट को तो इस्केमिया इंपैक्ट तो है नहीं, है ना, बट आपको सब देखना है कि वो रेसिप्रोकल तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये हमने देखा हुआ है, फिर भी मैंने एक बार यहाँ पे मेंशन किया है, इंफेरियर MI produce reciprocal changes in the AVL, inferior मतलब जो अभी ये जो ECG है, 2-3 AVF में अगर patient को MI है तो उसके ST depression AVL में होगा, उसके vice versa, जैसे कि lateral और anterolateral है तो उसके reciprocal inferior होंगे, means vice versa, lateral में तो inferior, inferior में तो lateral। अभी ये ECG मैंने लिया है posterior wall MI का, है ना, posterior wall MI, क्या होगा posterior wall MI में, हमने अभी देखा था पोस्टीरियर वॉल एमआई आपको जनरली नहीं देखने को मिलता है, आप डायग्नोस भी नहीं कर पाते और आप छोड़ देते हो, है ना। तो देखो पोस्टीरियर एमआई में क्लासिकल आपको मिलेगा, लुक, एक्यूट पोस्टीरियर वॉल एमआई, एसटी डिप्रेशन इन एंटीरियर लीड्स V1-V3, अभी हमने देखा था, देखो V1-V3, दिस इज V1, V2 एंड V3, क्लासिकल दिख रहा है एसटी डिप्रेशन है, एसटी डिप्रेशन है, बट ये एमआई है क्योंकि हम लोग पोस्टीरियर वॉल एमआई में पोस्टीरियरली कोई लीड नहीं लगाते,
तो ये रेसिप्रोकल चेंजेस है जो अपने को एंटेरियर लीड में रहे, नाम पोस्टेरियर वाले में, बट चेंजेस इन द एंटेरियर लीड बिकॉज दिस इज द रेसिप्रोकल चेंजेस। अभी क्या हो गया इसमें, एक तो एसटी डिप्रेशन हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया विथ डोमिनेंट आर वेव। जनरली आर वेव इतनी डोमिनेंट नहीं रहती है V1, V2, V3 में, है ना। तो दीज आर द, और आपको पोस्टीरियर वॉल एमआई है या नहीं ये कंफर्म ही करना है, मींस आपको रेसिप्रोकल नहीं देखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट आई सेड बिफोर, आपको V6 के बाद पीछे में हार्ट के, जैसे कि ये एंटेरियर साइड है, इसके पीछे के साइड में जाना पड़ेगा लीड लगाते हुए। इसका भी मैं डायग्राम शेयर करूंगा, एसटी एलिवेशन इन पोस्टीरियर लीड दैट इज V7 to V9, मींस आप आगे की लीड निकाल दो और वो सारी लीड पीछे लगा दो। अगर किसी को जानना है ये कैसे करना है, जस्ट व्हाट्सएप में। अभी हमने देखा था डी विंटर वेव अपना इंपॉर्टेंट था, दैट इज जो दो चीजें थी हमारी इंपॉर्टेंट वो हमने देख ली। अभी यहाँ है डी विंटर टी वेव्स। व्हाट इज द डी विंटर टी वेव्स? डी विंटर टी वेव आपको बताता है कि पेशेंट को एलएडी में, लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी में एमआई है। कुछ सिर्फ नाम कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी अदरवाइज इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। क्या देखना है आपको, अ पैटर्न ऑफ अपस्लोपिंग एसटी डिप्रेशन, एसटी डिप्रेशन विद सिमेट्रिकली पी टी वेव इन अ प्रीकॉर्डियल लीड इज कंसिडर्ड टू बी एसटी एलिवेटेड एमआई। देखो ये एमआई है, हा? ये क्या है, एसटी एमआई है, वो भी एलएडी का है, बट है क्या इसमें एसटी डिप्रेशन। तो कंफ्यूज मत होना इस्टेमिया या इसमें, ये दिस इज, इसीलिए इसका स्पेसिफिक नाम दिया है डी विंटर टी वेव। देखो क्या है, एसटी अपस्लोपिंग, एक आधी वेव देखते हम लोग, ये देखते सपोज दिस इज एसटी एलिवेशन और यहाँ पे टी वेव, देखो ये ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, टी वेव सिमेट्रिकल है, टी वेव पीक अगर ऐसा आपको दिखता है पेशेंट को तुरंत रेफर करके एंजियोग्राफी करा लो। देखो ये इसी का लिया हुआ है जूम करके, पी क्यू आर एस टी, दिस इज अप स्लोपिंग, नीचे से एस टी सेगमेंट ऊपर जा रही है और टी वेव पीक हो रहा है ना। दिस इज ऑक्लूजन ऑफ एलईडी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अगर एलईडी ब्लॉक है तो पेशेंट कैन डाई विदिन आर, विदिन, अगर उसका डिपेंड करता है कि ब्लॉक बड़ा हो। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ऑन डी विंटर टी वेव्स। द डी विंटर ईसीजी पैटर्न इज एन इंटीरियर एसटीएमआई इक्विवेलेंट दैट प्रेजेंट विदाउट ऑब्वियस एसटी सेगमेंट एलिवेशन। एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं होगा है ना, फिर भी एमआई है, इसीलिए ये आया है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एसटी डिप्रेशन की। देन नेक्स्ट इज डिगॉक्सिन इफेक्ट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रख लो, इट लुक्स लाइक अ मुस्टैच, ये मुस्टैच के फिगर जैसा दिखेगा, सैगिंग मॉर्फोलॉजी, सैगिंग मॉर्फोलॉजी है, दिस काइंड दिखता है। तो आपको डिगॉक्सिन अगर दे रहे हैं तो दिस काइंड ईसीजी चेंजेस कैन बी सीन। नेक्स्ट इज अवर हाइपोकैलेमिया, मींस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है पेशेंट को, दैट यू कैन ऑल्सो रूल आउट बाय सीइंग द ईसीजी। हमने हाइपरकैलेमिया देखा था, नहीं टी वेव होना है, ठीक है, हाइपरकैलेमिया में हम लोग और देखेंगे। हाइपो में क्या होता है, हाइपोकैलेमिया कॉजेस वाइड स्प्रेड डाउन स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन विद टी वेव फ्लैटनिंग। इसमें टी वेव फ्लैट हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, हाइपर में टी वेव बड़ा रहेगा, हाइपो में टी वेव फ्लैट है विद डाउन स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन। मीन्स हर एसटी डिप्रेशन इज नॉट इस्केमिया, आपको देखना पड़ेगा उसके साथ टी वेव कैसा है। देखो एसटी सेगमेंट यहाँ पे डाउन स्लोपिंग है, दिस इज एसटी सेगमेंट डाउन स्लोपिंग, और टी वेव बहुत बार फ्लैट मिलता है या फिर कम एम्पलीट्यूड का रहेगा, दैट इज योर हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो हमारे थे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये एक पूरा अलग ही टॉपिक है, जब हम लोग पढ़ेंगे हाइपरट्रॉफी एंड बंडल ब्रांच ब्लॉक उसमें ये आएगा, बट आप सिर्फ इतना याद रखो, अगर किसी पेशेंट का राइट वेंट्रिकल बड़ा हुआ है, राइट वेंट्रिकल है ना, राइट साइड, तो राइट साइड में कौन सी लीड लगती है, V1 एंड V3, V1, V2, V3 राइट साइड में आएगा, V3, V4, V5, V6 ये आपका लेफ्ट साइड में जाएगा। अगर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो क्या होगा, कॉजेस एसटी डिप्रेशन एंड टी वेव इन्वर्जन इन अ राइट प्रीकॉर्डियल लीड्स। राइट साइड में, चेस्ट के राइट साइड में जो लीड लगती है V1, V2 मोस्टली, V3 भी आएगा कभी, तो यू कैन सी हियर मोस्टली V1, V2 में देखते, आप देखो इसको, सॉरी हाइपरट्रॉफी की अलग टॉपिक होगा जिसमें हम लोग देखेंगे उसको कैसा डिफरेंशियल, कैसा देखेंगे कि पेशेंट का वेंट्रिकल बड़ा है
by seeing the ECG only, no need of echo. ECG से पता चल जाएगा कि ventricle size बड़ा है, बहुत easy है. ये एक हो गया right ventricular hypertrophy. Same वैसे right bundle branch block. Right bundle branch block भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग right ventricular hypertrophy पढ़ेंगे. Easy है ये भी, कोई ये नहीं है, hard नहीं है. सिर्फ इसमें इतना याद रखो अभी के लिए, क्योंकि अभी हम लोग ST सेगमेंट पढ़ रहे हैं. तो ST सेगमेंट डिप्रेशन कहाँ होगा? राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में प्रोड्यूस सिमिलर पैटर्न ऑफ ST डिप्रेशन एंड टी वेव इन्वर्जन. देखो ये राइट बंडल ब्रांच, इसमें जैसे मैंने बताया था RS R पैटर्न होता है, RS R' या RS R पैटर्न. ये R वेव, एक S वेव आती है, फिर R वेव आती है. तो सी यहाँ पे भी ST डिप्रेशन हो रहा है, डाउन स्लोपिंग है. ST डिप्रेशन है, डाउन स्लोपिंग. दिस इज योर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक. ये अलग टॉपिक है, विल लेंगे. देन लास्ट है हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एग्जांपल एवी नोडल रिदम टैकीकार्डिया टिपिकली कॉजेस वाइड स्प्रेड हॉरिजॉन्टल ST डिप्रेशन मोस्ट प्रोमिनेंट इन अ लेफ्ट प्रीकार्डियल रिड्स. देखो अगर सुप्रा वेंट्रिकुलर है, ये भी हम लोग जब रिदम पढ़ेंगे एबनॉर्मल रिदम तब आएगा, बट हम लोग अभी ST सेगमेंट देख रहे हैं. तो देखो इसमें ST सेगमेंट, टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट अबव 100 होगा. अगर किसी पेशेंट का हार्ट रेट अबव 100 है, हार्ट रेट 100 के ऊपर जा रहा है और उसमें ST डिप्रेशन है, तो यू कैन नॉट से कि इसको इस्चिमिया है, है ना, या फिर इस्चिमिया नहीं है. वी कैन नॉट से, क्योंकि इट इज अ कॉमन फाइंडिंग इन अ सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. जब हम लोग टैकीकार्डिया पढ़ेंगे तब आएगा. तो ये कॉमन चेंजेस है, इट इज नॉट ए इस्चेमिक चेंजेस. जैसे उसका टैकीकार्डिया ठीक हो जाएगा वैसे इस्चेमिक चेंजेस नॉर्मल हो जाएंगे. तो आप पेशेंट को मेडिसिन दो, देखो उसका टैकीकार्डिया रिवर्ट होता है क्या. टैकीकार्डिया रिवर्ट हो गया और ये चेंजेस रिवर्ट हो गए, देन यू कैन सेंड पेशेंट फॉर अ फर्दर, आप उसका इन्वेस्टिगेशन करो. द रेट रिलेटेड ST डिप्रेशन डज नॉट नेसेसरली इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मायोकार्डियल इस्चेमिया. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मतलब पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ा, पेशेंट को टैकीकार्डिया है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है और पेशेंट को इस्चेमिक चेंजेस देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसको इस्चेमिया है. ST डिप्रेशन है मतलब इस्चेमिया नहीं है, ऐसा कंफर्म नहीं बता सकते. दिस मे बी द नॉर्मल फाइंडिंग. ओके, तो आज के लिए इतना ही डोज, आप रिवाइज करो इसको 2-3 बार. टुमारो वी विल गो विद द टी वेव एंड यू वेव. हम लोग देखेंगे टी वेव एंड यू वेव. समवन एडमिटेड नाउ, समवन हु कम, मानसी. मानसी वेलकम, बट वी जस्ट कंक्लूडेड अवर सेशन. टी वेव हम लोग कल पढ़ेंगे, दिस इज अ टी वेव. आज हमने देखा था ST सेगमेंट. आज के लेक्चर में किसी की कुछ प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी नाउ. आप इसको दो बार देखो, 2:30. आप इसको दो बार देखिए, दो बार देखने के बाद जस्ट लेट मी नो, क्योंकि हम लोग आज ही टी वेव लेंगे तो सारा कंफ्यूज हो जाएगा. एक बार हम लोग जाते हैं ST सेगमेंट के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में या फिर ये कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई. So, any comments? कोई चीज नहीं समझी हो? सोनाली मैडम. हाँ मैडम. हेलो. हाँ हेलो. हाँ हाँ रितेश, तू डिफरेंशियल डायग्नोसिस मध्ये ते जे सांगितलं ना ब्लॉक, बंडल ब्लॉक. हाँ बंडल ब्रांच ब्लॉक. हाँ तर ते एकदा थोडस सांग ना परत डिफरेंशियल डायग्नोसिस. आई थिंक मीटिंग ये 5 मिनट में खत्म हो जाएगा क्योंकि इसका टाइम 40 मिनट का है. कंटिन्यू करू याला. बंडल ब्रांच, बंडल ब्रांच ब्लॉक मध्ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस. हाँ ओके, आई एम जस्ट गोइंग देयर. राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक ला अपन जाऊ. राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक. देखो राइट बंडल ब्लॉक, राइट देखो बंडल ब्रांच ब्लॉक ना ये अलग टॉपिक है, पूरा का पूरा अलग टॉपिक है. जैसे कि आपका वी नो करंट ट्रेवल फ्रॉम SA node टू AV node, AV node टू बंडल ऑफ हिस्स, बंडल ऑफ हिस्स टू पडकेंजी फाइबर, देन बंडल राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड रेफ बंडल ब्रांच ब्लॉक. अगर वहां से करंट जो जा रहा है ऐसे नोड से जो करंट निकला है वो बंडल ब्रांच ब्लॉक में अगर डिले हो रहे हैं, है ना, अगर वो करंट जा रहा है और डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी ब्लॉक इन अ बंडल ऑफ हिस, दैट लीड्स टू बंडल ब्रांच ब्लॉक. बट अभी आपको यहाँ पे बंडल ब्रांच ब्लॉक मैं नहीं सिखा रहा हूँ. बंडल ब्रांच ब्लॉक ये पूरा अलग टॉपिक होगा,
सिर्फ आपको ये देखना है, ये देखो एसटी सेगमेंट सिर्फ आपको ऑब्जर्व करनी है कि बंडल ब्रांच ब्लॉक में भी आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिल सकता है। ओके, बंडल ब्रांच ब्लॉक अगर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है और पेशेंट को बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो दिस कैन नॉट मीन कि पेशेंट को इस्केमिया है। ओके, दिस इज द नॉर्मल। मैं आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसीलिए इसमें कवर किया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि एसटी डिप्रेशन कहीं पे भी हो, है ना, एसटी सेगमेंट कहीं पे भी डिप्रेस हो इसका मतलब पेशेंट को इस्केमिया है। इट इज नॉट लाइक दैट। पेशेंट का हाइपरट्रॉफी भी है, पेशेंट का अगर हार्ट का साइज भी बड़ा है, लुक ये पेशेंट का यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। पेशेंट आपके पास आया जिनका भी बीपी बड़ा होता है, मोस्टली जिनका बीपी बड़ा होता है बहुत दिनों के लिए उनका वेंट्रिकल का साइज बढ़ता है, इधर राइट वेंट्रिकल बढ़ेगा या लेफ्ट वेंट्रिकल बढ़ेगा, है ना। अगर आपका वेंट्रिकल बढ़ गया तो भी आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, तो आपको पैनिक में नहीं आना है कि अरे पेशेंट को तो इस्केमिया हो गया, इसको हार्ट अटैक आ सकता है। ओके, पेशेंट फिर आपके यहाँ से कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा, बोलेगा नहीं सर आपको तो कुछ नहीं है, आपका सिर्फ ये बढ़ा हुआ है, तो नॉट टू वरी अबाउट दैट। बट पेशेंट को आपको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है, पेशेंट को आपको बताना है कि आपका एसटी डिप्रेशन है, दिस मे बी बिकॉज ऑफ आपका हार्ट का साइज बढ़ा हुआ है या फिर पेशेंट आपका बंडल ब्रांच ब्लॉक है, आपको इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। ओके, तो बंडल ब्रांच ब्लॉक हम लोग पूरा टॉपिक लेंगे मैम। ओके, सिर्फ आपको इसमें इतना देखना है कि एसटी सेगमेंट डिप्रेशन आपको बंडल ब्रांच ब्लॉक में मिलेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में मिलेगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके रितेश, ये मेन आपका, आपको ना ब्लड सप्लाई जो आप देखते हो ना वो आपको देखना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को किस तरीके से एसटी डिप्रेशन है, अपस्लोपिंग है या डाउन स्लोपिंग है पेशेंट का, वो देखना जरूरी है ना। आरसीए कहाँ सप्लाई करती है, एलसीए कहाँ सप्लाई करती है, ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंटेरियर अगर एमआई है तो एलईडी ब्लॉक होगा, लैटरल है तो आपका सरकम्प्लेक्स ब्लॉक होगा, इंफेरियर है इन पेशेंट का इंफेरियर वॉल एमआई है तो आपका राइट कोरोनरी आर्टरी या फिर लेफ्ट सरकम्प्लेक्स आर्टरी ओनली 20% सप्लाई, मोस्टली इंफेरियर एंड पोस्टेरियर वॉल एमआई है तो पेशेंट का राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हमारे मटेरिया मेडिका से तो काफी इजी है, बट वी आर स्केयर्ड ऑफ ईसीजी। हमारे बहुत लोग यहाँ पे मोस्टली आयुर्वेदिक फिजिशियंस भी है, तो इट इज इजी, सिर्फ आपको 2-3 बार पढ़ना है, वेरी इजी। ओके, यस सर, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। डरो मत, कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट अभी इसके बाद 3-4 टॉपिक है। ओके ओके, देन सी यू ऑन नेक्स्ट संडे। रिकॉर्डिंग, हाँ रितेश, इसका रिकॉर्डिंग डाल देना प्लीज। बिल्कुल, आई विल सेंड दिस। और हम लोग फार्माकोलॉजी का भी सीरीज शुरू कर रहे हैं अभी, फार्माकोलॉजी सीरीज। हाँ, देखा मैंने, यस, ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, उसको भी हम लोग इजी करके पढ़ेंगे। ओके, सी यू देन, बाय, टेक केयर, बाय, थैंक यू सर, बाय।